बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, या अहलुल कुबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, बेसिकली ये कब्रिस्तान है और ये मसीह बरादरी और मुसलमानों का इकट्ठा ही कब्रिस्तान है। मतलब कि अंदर एक शायद छोटी सी कोई बाउंड्री हो, मतलब एक साइड पर मुसलमानों का कब्रिस्तान और एक साइड पर ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का। तो शायद हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, हमें एक बात दो बातों से रोकते हैं। एक तो ये कि वो ये कहते हैं कि आपने सोलो प्रोग्राम यानी कि अकेले जाकर नहीं करना, और दूसरा ये कि आप कब्रिस्तान जाके प्रोग्राम ना किया करें। उनका कहना और मानना ये है कि अकेले जो है वो मतलब के कुछ भी ख़तरा आप मोल ले सकते हैं, यानी कि कुछ भी आपके साथ हो सकता है। और सेकंड ये कि जो कब्रिस्तान है वहाँ चूँकि ये आखिरी आरामगाह है, तो ये मुनासिब नहीं है कि आप किसी कब्रिस्तान में जाकर अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स करें, और इस तरीके से जो थोड़ा बहुत शोर होता है। शाहिद, मुझे ना चीज़ें नज़र आ रही हैं, खुरम मुझे भी अभी ऐसे लगा है जैसे वो एक गद्दे की हड्डी जितनी ना जी, कोई चार टांगों वाली कोई चीज़ है इधर। शायद ये ना दो दफ़ा मुझे भी नज़र आई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एक ज़रूरी बात थी वो मैं कवर करके तो आगे निकलूँ जी। और बस ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो बातों से जो व्यूवर्स हमें रोकते हैं, एक तो सोलो आप कर चुके हैं जी, ठीक है वो भी, और दूसरा आज हम फिर कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं। व्यूवर से गुजारिश ये है कि थोड़ा सा हमारे साथ मसला ये कि हमें कब्रिस्तान में भी, अब जिस तरीके से ये स्टोरी हम सुनकर आए हैं, तो आज हम यहाँ मामला देख लेते हैं अपनी नज़र से। और खुरम बेसिकली अगर आप हमारे हमने जितने भी एपिसोड किए हैं ना कब्रिस्तान के अंदर, और हमने इस चीज़ को बहुत ख़ास ख्याल रखा है कि जो इस कद्दूस है ना इस जगह का, हाँ जी, उसको हम ना मतलब कि उसको पमाल ना करें। हम बड़ी एहतियात से शूट करते हैं, जो साइन हमें वो जो उधर वाकया पेश आया वो सुन के आते हैं, उसके मुताबिक हम अपने साइन रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और इधर भी जो आज हमने सुना उसको सुनकर ही आए हैं, और हम ये पूरी एहतियात करेंगे कि जो इसके तकद्दस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये आवाज़ आई आपको जी? आवाज़ मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुसलसल इधर ये जो कब्र है ना, शायद अब जो आवाज़ थी ना जी, ये बिल्कुल करीब से आई है। कहाँ से जाएँ? एक तो रास्ता राइट साइड से, मेरे ख्याल में इधर से चेक करें। चलें, और खुरम खुशबू महसूस कर रहे हैं, तेज़ आनी शुरू होगी जी जी। और खुरम बताया कि ये कब्रिस्तान है, इतना बड़ा नहीं है। हाँ जी, छोटा सा कब्रिस्तान, छोटा सा कब्रिस्तान है। खुरम आपने इस ना चीज़ों से एहतियात करनी है, क्योंकि अक्सर लोग ना जो सदके की चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे कब्रिस्तान के अंदर फेंक के चले जाते हैं जी। और इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है कि किसी चीज़ के ऊपर से फलांगना नहीं जी है। जी, खुरम बिल्कुल ना ये जो एरिया ना, इधर मुझे दो तीन दफ़ा ऐसे लगे जैसे कोई गधे की हाइट जितना ना कोई चीज़ है, और वो झुकी हुई है जैसे कोई जानवर चार टांग वाला होता है। देखें अब अगेन इसी जगह से जहां आप इशारा कर रहे हैं, मुझे आवाज़ आई थी पहले भी जी, इसी जगह पे वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो आपको नज़र आए, और अभी भी मुझे उसी डायरेक्शन से आवाज़ आई है।
इधर से कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आगे। तो मेरे ख्याल से हम गलत आ गए हैं, ये बाहर से रास्ता है सारा मुझे लगता है अंदर जाने का, क्योंकि आगे सारी कब्रें हैं, आगे गुजरने का रास्ता नहीं है। आ जाए, शायद मैं ना एक आवाज़ सुन रहा हूँ जो कि ना मैं बोलना इसलिए नहीं चाह रहा कि हमें ना अक्सर एपिसोड्स में ये ज़्यादातर आवाज़ ऐसी ही आई है। मुझे अभी फिर एक औरत के रोने की आवाज़ आई है बड़े धीमे अंदाज में, और एक सेकंड अगर आप यहीं पे सुने ये वो जैसे कोई हिचकियां लेके दौड़ रहा है। हाँ, ये इस डायरेक्शन से आ रही है आवाज, ये और ये जब से हम इस जगह वाले पोर्शन में एंटर हुए हैं ना, ये उसी वक्त से आ रही। चलें आगे, शाहिद आपने आवाज़ सुनी अभी? हाँ शाहिद आपने आवाज़ सुनी अभी? हाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या ओए 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 शाहिद, कोई है? दिखाएं दिखाएं, करीब से दिखाएं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या ओए 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 शाहिद, कोई है? दिखाएं दिखाएं, करीब से दिखाएं। और ये बिल्कुल शाहिद उसी जो आवाज़ आई है ना, और ये बिल्कुल शाहिद उसी और ये बिल्कुल शाहिद उसी जो आवाज़ आई है ना जो मैंने आपको सेम उसी वक्त शायद बिल्कुल आपके आगे उस साइड पे कोई है। इधर शाहिद मेरे ख्याल में ये वो एरिया जहाँ वो बता रहे थे कि आग लग सकती है अचानक, जहाँ आप खड़े हैं। जी खुरम, ये देखें, ये तकरीबन ये जो एरिया ना ये सारा जला हुआ है। हाँ जी, ये इसके देखें, अगर आप तो ये छोटा सा एरिया जहाँ उन्होंने बताया था कि अक्सर खुद ब खुद आग लग जाती है और फिर वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। जी, और ये खुरम ये तकरीबन 10-12 कब्रें हैं इसके इर्द गिर्द दिया ऐसे, ये देखें ये इधर से ना। और अभी हम मुसलमानों के एरिया में, मुस्लिम
के हैं ये जो एरिया ये वाला? खुर्रम, इसमें कोई ऐसी निशानदेही तो नहीं है हो रही कि ये अब मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का है, क्योंकि सिंपल है, बना हुआ सिंपल कब्रें हैं ये। एक ये एरिया शायद देखें, इधर भी आग लगी हुई है। शायद बड़ी अजीब बात है कि हमने अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग्स के अंदर आग के इधर कोई था शायद, आगे जाके देखें, आग के शोले देखे हैं, लेकिन इस तरीके से आग के जो जिस तरीके से बता रहे थे कि यार पूरा पूरा भांबड़ जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लफ्ज़ वो बोल रहे थे कि पूरे पूरे भांबड़ और लग के खुद ब खुद बंद होना गांव एरिया, वो कह जिस तरह उन्होंने बताया कि जी अक्सर हम भागे हैं रात को देख के कि यार ही क्या हो गया, और पहुँचते पहुँचते वो आग भी बंद हो जाती। वो जो ये देखिए किसी ने आग को खींचा बिल्कुल इसी जगह पे, कौन है कौन है इधर है कोई? जी शायद इधर है, मैं खुद अभी वो औरत के बारे में बात करने लगा था जो शुरू में हमें आवाज़ आई थी ना रोने की, मैं भी ये बोलने लगा उसी टाइम मेरा हाथ किसी ने खींचा है। अभी नहीं है वो? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वो आवाज़ बंद हो गई उसी दौरान ही मेरा हाथ किसी ने खींचा, ये कौन है? खुर्रम बिल्कुल इस जगह पर कोई खड़ा हुआ था इधर इस जगह पे ना भी खड़ा हुआ था, और पहले भी यही दी थी। हाँ जी इसी जगह पे। कौन है इधर? ओए क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ करूँ? शाहिद किसी ने हाथ लगाया और मैं कह रहा हूँ और शोल्डर से पकड़ के इस तरह की बिल्कुल सेम मेरा भी। बिल्कुल सेम मेरा भी खुर्रम ऐसे ही हुआ है, किसी ने मेरा हाथ खींचा है। देखें आप जो भी हैं क्या अपने रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, असली रूप में आ सकते हैं हमारे सामने? क्या आप हमारे सामने खुद को जाहिर करवा सकते हैं? आपको मैंने सुन रहे? हाँ अब नहीं है। अभी मैंने यहाँ किसी के चलते हुए आवाज़ सुनी शायद, और महसूस ऐसा हो रहा है कि कोई एक चीज़ है जो कि यहाँ मौजूद है। अच्छा ये देखें इस जगह पे भी आग लगी हुई है, पता नहीं अब मैं भूल गया हूँ शायद मैं उसी एरिया में ना खड़ा हूँ। जी शाहिद अच्छा एक चीज़ नोट करें बड़ी अजीबोगरीब शाहिद, यहाँ
आग लगी हुई है जी। और ये पौधे, अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? पूरा आपके पीछे से कोई चीज़ आई है। कौन है जी? और ये पौधे, अल्लाह अकबर, कौन है? ये किधर? मेरे हाथ को फिर खींचा खुरा बड़ी जोर से। खुरम बिल्कुल ना इस जगह पर। मैं शायद ये पता क्या है, हमें उस जगह पे जाने से पहले रोक रहे हैं ये लोग। क्या हुआ खुरम? पता नहीं, बार बार ना ऐसे मुझे हाथ मेरा कोई खींच रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा कैमरे को। ये आगे। शायद है आसपास हमारे भी है। सामने आए, आप जिस रूप में भी हैं, आप सामने आए। शाहिद जी, मेरे यकीन करें दिल की धड़कन फुल तेज हो गई हुई है। मैं ना आपको एक चीज़ कह रहा था, आप लाइट ऑन कर लें, आपकी लाइट ऑफ होगी, लाइट ऑन कर ली हूँ। अच्छा, मैं शाहिद ये बात कर रहा था कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देखें ना, आप ये देख रहे हैं लाइट, सॉरी ये जलावा जी, ये क्या हुआ? वही आप सही कह रहे हैं, और ये सिर्फ हाथ पकड़ के यूं खींचा, वो जैसे है ना अक्सर बच्चे ज़बरदस्ती किसी को खींच के ले जा रहे होते हैं। हाँ, ये हाथ, ये मेरा हाथ यार शाहिद, ये वाला हाथ किसी ने पकड़ के यूं खींचा। मेरे साथ सेम ये हो रहा है बार बार, बात ही नहीं करने दी जा रही। हाँ, हम आपके बारे में यहाँ सुनकर आए थे और आपसे ही मिलने आए हैं, आपके मेहमान हैं आप। अपने जो रूप है, जिस शक्ल में भी आप यहाँ फिरते हैं, चाहे वो जानवर की शक्ल इख्तियार, ये क्या फोंकार था नहीं आपने, जिस तरह एक भारी भरकम, ये कोई खड़ा हुआ उधर 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 उधर, ये इधर इधर पीछे, खुरम इस जगह पर ना बिल्कुल सेम वही, जैसे कोई झुक के खड़ा हो। देखिए, आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने एक किसी भी रूप में अपने आप को जाहिर कर दें। शाहिद, हमें ना छोटी सी जगह भी महसूर कर दिया जी। ठीक है, और ये खुरम अपने सामने देखो, कौन है इधर? ओए ओए, शाहिद हमें ना छोटी सी जगह भी महसूर कर दिया जी। ठीक है, और ये अपने सामने देखो, कौन है इधर? ओए ओए, अल्लाह अकबर।